हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू घर का खाना ऑफिशियल। हमारी आज की रेसिपी है परवल आलू का मसालेदार फ्राई। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई में तेल डाल लेते हैं। मैंने पहले ही परवल को छील के चाकू से हल्का रगड़ दिया था और उसके दो टुकड़े में काट के रख लिया था और इसको अच्छे से धो दिया। धो करके इसको पानी से निकाल दिया, क्योंकि पानी के साथ अगर तेल में जाए तो छींटे पड़ते हैं, तो इसके लिए मैंने ये सब करके रख लिया था। अब मेरा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें मैंने जीरा डाल दिया। जैसे ही जीरा भुन जाएगा तो हम इसमें परवल डाल देंगे। इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये परवल मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। ये देख के ऐसे लग रहा होगा कि जैसे ये जल गया है, पर ये जला बिल्कुल भी नहीं है। इसका कलर ऐसा आया है और उसकी वजह से तेल का रंग ऐसा हो गया था। अब इसमें मैंने एक प्याज डाल दिया है, बड़े साइज का प्याज लिया था, उसको लंबे लंबे काट के डाला है मैंने ये प्याज। प्याज को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए परवल, प्याज हमारा भून गया है। वैसे ही लंबे लंबे टुकड़ों में कटा हुआ आलू मैंने डाल दिया इसमें। इसमें हम बड़े चम्मच से अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये मैंने 2 चम्मच लिया। किन किन को परवल खाना पसंद है कमेंट सेक्शन में बताइए। ये हल्दी 1 चम्मच हल्दी का लिया है। इसको डाल के थोड़ा मिला लेंगे, भून लेंगे। हम हल्दी और धनिया को हमेशा स्टार्टिंग में डालते हैं, क्योंकि ये मसाले भुनने में टाइम लगाते हैं और अगर हम मिर्ची जल्दी डाल देते हैं तो मिर्ची जल्दी जल जाती है, इसलिए पहले हल्दी एंड फिर धनिया डालते हैं। 1.5 चम्मच के करीब धनिया डाला है मैंने इसमें। धनिया और मिर्ची का इस्तेमाल हमेशा बैलेंस में हो तो कभी भी लाल मिर्च खराबी नहीं करती है। लाल मिर्च वैसे तो नुकसान करता है, बट इतना ज़्यादा नहीं करता। जैसे कि आपने अगर 1/2 चम्मच लाल मिर्च का यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, तो उसमें हमेशा 1 पूरा चम्मच भर के धनिए का इस्तेमाल करें। तो जैसे मैंने 2 चम्मच धनिया डाला था, ये मैंने 1 चम्मच से भी कम लाल मिर्ची ली है। ये तीखी वाली लाल मिर्च है, तो ये अपने स्वाद के अनुसार आप डालें। अब इनको हम अच्छे से भूनते हैं। इनको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि तेल ऊपर आ जाए। ये मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, क्योंकि हमारे आलू कच्चे हैं तो, और हमने इतना भून भी लिया है तो इनको गलने के लिए, और इसमें हम बहुत ज़्यादा पानी डाल के नहीं पकाने वाले हैं। ये बिल्कुल मसालेदार परवल आलू बनने वाले हैं, तो इसमें
नमक डाल देंगे और इससे कि आलू पक जाए। इसको हम ढक के पका लेंगे। बीच में ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला था और इसको ढक दिया था। ये देखिए इसका तेल ऊपर आ गया है। ये देखिए मैं इसमें आलू चेक करने की कोशिश कर रही हूँ। अब आप मेरे वीडियो पे आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने लाइक किया है इसका मतलब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये देखिए अब सब्जी को ढक के पका रही हूँ मैं। ज़रूरत पड़ने पे बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि आलू जो है वो मोटे टुकड़ों में कटा हुआ है और अगर वो नहीं गलेगा तो सब्जी तो सही नहीं बनेगी ना, तो इसलिए आप लोग उसको चेक करते रहें और ज़रूरत पड़ने पे पानी डालें। ये देखिए ये मैं चेक कर रही हूँ, आलू अभी कच्ची है, अभी इसको और पकने की ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है मैं इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल डाल के ही पकाऊंगी। ढक के पका रही हूँ, जब ज़रूरत पड़ रही है तो मैंने थोड़ी थोड़ी करके पानी डाला है, वो मैंने शूट नहीं किया है। अब आलू ये गल गया है तो अब इस टाइम पे हम लोग इसमें परवल को मिक्स कर देंगे ताकि परवल में भी थोड़े मसाले मिल जाएं और हमारा मसालेदार परवल बन पाए। तो अब इस स्टेज पे पानी डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब इसमें मसाले को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको ढक के दम में पकने देंगे ताकि परवल के अंदर स्वाद चला जाए। अब हमारे सब्जी में सारे मसाले घुल मिल चुके हैं और सब्जी बिल्कुल तैयार है गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। ये देखिए परवल भी पूरा गल गया है और इसमें आप देख रहे होंगे कि बुलबुले आ रहे हैं जो कि तेल छूटने का है। इस स्टेज पे हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं, इससे स्वाद और इन्हेंस हो जाएगा। और इसको सर्व करने से पहले हम 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, जिससे मसाले की खुशबू पूरी सब्जी में चली जाएगी और ये मसालेदार सब्जी हमारा बनके रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन गुड बाय।